हेलो एवरी वन आई एम विशाल सिंह सेंगर वर्किंग एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन फिजिकल एजुकेशन बी एस 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 कॉलेज टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन ऑल और नन लॉ हम सब जानते हैं फिजिकल एजुकेशन में कि ऑल और नन लॉ कितना इम्पोर्टेंट है बट अब तक जो हम ऑल और नन लॉ के बारे में पढ़ते आए हैं वो थ्योरिटिकल पार्ट पे तो बड़ा अच्छा है और आंसर शीट में लिखने में भी वी आर फीलिंग सो कम्फर्टेबल बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा किस तरीके से वो हमारी स्पोर्ट्स लाइफ में इन्वॉल्व है मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को वहाँ तक ले जाने की तो बिफोर स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल और नन लॉ एज यू नो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मोटर यूनिट क्योंकि जो ऑल और नन लॉ है इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन मोटर यूनिट सो वॉट इज मोटर यूनिट एज यू नो द मोटर यूनिट इज एसोसिएट विथ मोटर न्यूर अब ये मोटर न्यूर आखिर चीज़ क्या है किसे कहते हैं हम मोटर न्यूर मोटर न्यूर बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम की ही एक आखिरी यूनिट है जो ब्रेन से आने वाली सारी इंफॉर्मेशन को हमारे वॉलेंट्री मसल्स फाइबर तक पहुंचाती है इफ आई से मसल फाइबर मसल फाइबर मीन्स आपकी जो मसल्स हैं ना वो मसल्स जब आप उसको कट करके और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये कोई सिंगल मसल नहीं है इसके अंदर बंडल्स ऑफ मसल्स आपको दिखाई देते हैं और जो बंडल्स हैं मसल्स के उस बंडल में से जब हम एक फाइबर निकालते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मसल फाइबर ऐसा नहीं कि ये मसल फाइबर लास्ट यूनिट है अगर इसको और हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसके अंदर भी हमें मायोफाइब्रिल्स जैसी यूनिट दिखाई देती है लेकिन अभी हमें वहाँ तक नहीं जाना है हमारी जर्नी जो है मसल फाइबर तक ही है तो अब बात ये शुरू होती है कि जो वॉलेंट्री मसल्स हैं उनको एक्टिविटी के लिए या कोई काम करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इन्फॉर्मेशन जिस न्यूरॉन्स के थ्रू आती है उस न्यूरॉन को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन ठीक है तो एक सिंगल मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जैसे कि मैं दिखाऊं आपको मोटर न्यूरॉन ये एक बॉडी है और ये जो इसकी टेल निकल रही है दैट लॉन्ग टेल इज कॉल्ड एक्सॉन और जो इसका बॉटम होता है जहाँ पे ये अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो रही हैं इसे कहते हैं हम टर्मिनल्स जैसे आप आपने देखा होगा आप बैटरी वाले के यहाँ जाते हैं ना आप कार की बैटरी ले जाते हैं तो उसमें एक साथ एक साइड पे प्लस होता है एक साइड पे माइनस होता है और एक क्लिप्स जैसी कुछ होती हैं जिसको हम उस पर टच करते हैं उन्हें वो मैकेनिक लोग उसे टर्मिनल टर्म यूज़ करते हैं तो टर्मिनल जो है वो थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक साइंस से जुड़ा हुआ टर्म है तो ये बात आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन से आ रही है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ रही है तो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फॉर्म वी आर यूजिंग टर्म टर्मिनल्स तो ये जो एक्सॉन के जो टर्मिनल्स होते हैं तो हर टर्मिनल जो है वो एक मसल फाइबर के साथ कनेक्ट होता है अब इसके लिए कोई फिक्सेशन नहीं है कि नहीं साहब एक मोटर न्यूरॉन से दस मसल फाइबर ही जुड़े होंगे ऐसा कोई फिक्स नहीं है जब मसल्स का साइज़ बड़ा होता है तो वहाँ पर एक सिंगल मोटर न्यूरॉन से जुड़ने वाले जो मसल फाइबर हैं उनके नंबर कम हो जाते हैं और जब मसल साइज छोटा होता है या वो जगह बहुत सेंसिटिव होती है जैसे कि आपकी आईज ये बहुत सेंसिटिव हैं तो यहाँ पर क्या होता है एक मोटर न्यूरॉन से जुड़ने वाले जो मसल फाइबर हैं उनकी संख्या जो है वो कम हो जाती है ठीक और जो बड़ी मसल्स होती हैं वहाँ मोटर न्यूरॉन से जुड़े हुए मसल फाइबर्स के नंबर्स जो है वो बढ़ जाते हैं बट ऑब्वियस है जब टर्मिनल से जुड़े हुए मसल फाइबर्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ सेंसिविटी कम हो जाएगी या अलर्टनेस कम हो जाएगी लेकिन जब मोटर न्यूरॉन से जुड़े हुए मसल फाइबर कम होंगे तो वहाँ सेंसिविटी ज़्यादा होगी इसे आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मैं एक डाकिया हूँ और मुझे डाक बांटनी है ठीक है अब मुझे सिर्फ तीन घरों में डाक बांटनी है तो वो काम बहुत जल्दी से हो जाएगा वो तीन घर तीन मसल फाइबर हो गए लेकिन वही डांक अगर मुझे दस घरों में जाके बांटनी है या मैं कहूँ दस मसल फाइबर तक मुझे इंफॉर्मेशन पहुँचानी है देन इट विल टेक टू मच टाइम दैट्स ऑल तो यही फॉर्मूला हम अपने बॉडी पे लगाते हैं सो नाउ द पॉइंट इज क्लियर वॉट इज मोटर यूनिट सो मोटर यूनिट मीन्स अ सिंगल मोटर न्यूरोन और उसके साथ उसके टर्मिनल से जुड़े हुए मसल फाइबर्स ये पूरी यूनिट को हम कहते हैं मोटर यूनिट ठीक यहां पे हमारी आधी स्टडी जो है वो कंप्लीट हो गई अब ऑल और नन लॉ ऑल और नन लॉ है इसे समझने से पहले हमें एक टर्म समझना होगा जिसे हम कहते हैं थ्रेसोल्ड थ्रेसोल्ड को हिंदी में कहते हैं चौखट लांगना देखिए हम सबके अंदर एक आम बात करें तो चीज़ों को सहन सहन करने की कुछ क्षमताएं हैं ठीक जैसे मैं अगर आपको थोड़ा कुछ गलत लहजे में बात कर दूं तो हो सकता है आप आप उसे अवॉइड कर दें मैं थोड़ी और ज़्यादा एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करूं तो आप उस पर फिर रिएक्ट करने लगेंगे तो हर व्यक्ति का एक अपना एक लेवल होता है जिसके बाद उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है तो वो जो लेवल है जिसके बाद वो फटता है या एकदम उसे गुस्सा आ जाता है उसे ही हम कहते हैं थ्रेसोल्ड लेवल या लांगना अपनी चौखट लांगना ठीक तो ठीक उसी तरह जब ब्रेन से वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन आपके न्यूरॉन तक आती है तो ऐसा नहीं ब्रेन लगातार इन्फॉर्मेशन जो हैं वो न्यूरॉन तक सप्लाई करता रहता है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन या उस इलेक्ट्रिकल आवेग की इंटेंसिटी डिसाइड करती है कि उस मोटर यूनिट में उस न्यूरॉन से जुड़े हुए मसल फाइबर एक्टिवेट होंगे या नहीं होंगे एट द एंड अगर ऑल और नन लॉ का हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालें तो वो उसका शाब्दिक अर्थ यह है या तो सब या एक भी नहीं इसका मतलब एक मोटर यूनिट में जितने मसल फाइबर इन्वॉल्व हैं या तो सारे की सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे या एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा यह कहता है ऑल और नन लॉ ठीक है यह बात क्लियर है अब इनका कॉन्ट्रैक्ट होना इस बात पर डिपेंड करता है कि किस इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक पावर उस न्यूरॉन में आया है ब्रेन के थ्रू अगर वो उस लेवल से कम है तो वो जितने जुड़े हुए उस म्यूटर न्यूरॉन से जुड़े हुए मसल फाइबर हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे लेकिन अगर वो पावर उस थ्रेसोल्ड लेवल से अबव है तो उससे जुड़े हुए जितने भी मसल फाइबर हैं मोटर यूनिट से जुड़े हुए वो सारे मसल फाइबर एक्टिवेट होंगे